हेलो गाइस गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिक बस के बारे में। क्रिक बस के अंदर हमारी कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि हमारा क्रिक बस नहीं चल पाता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को आप कैसे दूर कर सकते हैं। तो अगर गाइस आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो गाइस आपको जाना होगा अपने मोबाइल की सेटिंग्स में। मेन्यू बार को खोलने के बाद तेरे गाइस हमारी सेटिंग्स सेटिंग्स को खोलने के बाद यहाँ पर मिलेगी आपको ऐप्स। ऐप्स पर आपको चले जाना है। उससे पहले आपको टाइम एंड डेट पर चले जाना है। टाइम एंड डेट पर आपको ऑटोमेटिक टाइम एंड जोन पर क्लिक करना है। ये बंद होगी तो आप इसको चालू कर लीजिएगा, चालू है तो फिर बंद मत कीजिएगा। तो इनको चालू करना है आपको, ऑटोमेटिक टाइम एंड डेट को और ऑटोमेटिक टाइम जोन को। और यहाँ पर बैक आना है। बैक आने के बाद आपको एप्लीकेशंस में जाना है और यहाँ पर क्रिक बस को ढूंढ लेना है। तो तेरा क्रिक बस इसको खोल लेना है। खोलने के बाद स्टोरेज में जाना है, स्टोरेज में इसका क्लियर डेटा कर देना है। क्लियर डेटा करने के बाद परमिशंस में जाना है और परमिशंस में इसकी सारी परमिशंस अलाउ कर देनी है। उसके बाद बैक आना है आपको और अपने मोबाइल को एक दफ़े बंद कर लेना है और खोलना है, तो आपका क्रिक बस प्रॉपरली वर्क करेगा। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक करना, लाइक करने के बाद हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।